जैसा कि लगातार चाहे एनआईए हो एसआईए हो, जो रेड्स है लगातार डाली ही जाती है, जो करप्टेड ऑफिशियल्स हो या एक्स कमिश्नर्स हो, एक्स ऑफिशियल्स हो, उनका कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई ऐसा एलिगेशन उन पे लगाया जाता है और उनके घरों से बरामद किया जाता है। और आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रेड डाली है एक्स कमिश्नर एसएमसी शौकत अहमद के घर पर, जो कि हुमामा में वाकया है, सेक्टर सेकेंड हुमामा नियर रेलवे ब्रिज, जहां पर उनका घर पड़ता है, जहां पर वो रहते हैं, वहां पर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड डाली है। उन पर एलिगेशंस यही लगाया गया है कि उन्होंने इलीगल प्रमोशंस और कुछ पोस्ट किए हुए हैं जब वो एसएमसी में काम कर रहे थे, और लगातार तब से उन पर नजरें टिकी हुई थी। और आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर, उनके घर पर रेड डाली, और जब तक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली तब तक उनके घर की तलाशी ली जा रही थी। अभी कोई भी वहां से खबरें सामने नहीं आ रही है, अभी क्या कुछ तफसीलात वहां से का घर पड़ता है, वहां पर उनके घर में रेड डाल रही थी, तलाशी कार्रवाई वहां पर जारी थी। ऐसे जो किस्से हैं, ऐसे जो मामला थे, हमें लगातार देखने को मिलते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो हो या फिर कोई भी ऐसा करप्टेड हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग करप्शन में मुब्तला है जिन पर अभी भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, या कोई ऐसे रेड्स डाले जाए, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ऐसे रेड्स डाले जाए जहां पर करप्टेड ऑफिशियल्स हैं, उनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तो ये खबर जो कि एक्स कमिश्नर एसएमसी शौकत अहमद के घर पर रेड डाली गई है, और जब तक यहाँ हमें मौसूलात मिली तब तक उनके घर में तलाशी जारी थी। मजीद तफसीलात के लिए आप हमारे